हाँ जी, सत श्रीकाल दोस्तों, स्वागत है थोड़े सारे का। हाँ जी, अज आप करांगे P++V बोर्ड के पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जिवें तुहानू कहा सीगा वी आपां P++V बोर्ड के पिछले 10 साल के PYQ करांगे, सो आपां अज तो स्टार्ट कर जा रहे हैं। तो एक तुहानू कहा सीगा वी आपां 60 दिनों का कोर्स स्टार्ट करांगे, वो आपां अलग करांगे, ठीक है जी। उहदे विच जिन्ना भी तुहाडा सिलेबस हैगा आपां उहदे अकॉर्डिंग चलांगे। तो उस तो बाद आपां की करांगे, एक मॉक टैसट सीरीज स्टार्ट करांगे, ठीक है जी। मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करांगे, मतलब जिन्ना भी तुहाडा जिहड़ा सिलेबस हैगा आपां सारा कंप्लीट करांगे, ते जदों तक जिहड़ा तुहाडा एग्जाम नहीं हुंदा आपां तुहाडी मुकम्मल तैयारी करवा देंगे। ते बाकी रही गल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जे आपां पिछले 10 सालों के P++V बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सब्जेक्टां दे कर लैंदे हैगे, तो अपने 30 तो लैके 40% नंबर, ठीक है जी, भावें कोई भी P++V बोर्ड का एग्जाम हैगा वह 101% पक्के हो जाएंगे। तो बाकी आप सारा सिलेबस भी करने वाले हैंगे। तो तुहानू पहला भी कहा सीगा भी 70 तो लैके 80% जिहड़े तुहानू पेपर में क्वेश्चन हैगे वह अपने कराए हुए कंटेंट विचों ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। इस करके की कर लो, चैनल सबसक्राइब कर लो, तो अपने बैल आईकॉन भी की कर लो, ऑन करके रखो, ठीक है जी। तो जो भी क्लास लगती है सारे जरूर लगानी हैगी। तो कल इस गल नहीं बननी, थोड़ू घर भी पढ़ना पैना, अपने एक टाइम टेबल बना लो सब्जेक्ट वाइज, ठीक है जी। तो जिन्ना भी हो सके 3-4 घंटे अपने घर भी पढ़िया करो, फिर ही पेपर क्रैक होना, ठीक है जी। जरूरी नहीं भी डेली क्लास लगा ली हाँ भी पेपर क्रैक हो जूगा, घर भी थोड़ा पढ़ना पैना, ठीक है जी। इस गल नोट करो। तो अज आप करेंगे जी कंप्लीट पंजाब हिस्टरी ज्योग्राफी एंड कल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है जी। ये वीडियो आप इन्ने वधिया ढंग ना बनाई हैगी, जिहड़े हिस्टरी के MCQs ने PYQ ने उन्होंने अलग रख लिया, ठीक है जी। ज्योग्राफी के ने उन्होंने अलग रख लिया, साहित्य का उन्होंने अलग रख लिया, ठीक है जी। कल्चर मेले त्यौहार उन्होंने अलग रख लिया, ताकि किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है जी। बहुत ही वधिया ढंग ने वीडियो बनाई हैगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैगी। सो सारे विद्यार्थी ने वीडियो ध्यान ना देखना, ध्यान ना सुनना, तो वीडियो में पूरा जरूर देखना, ठीक है जी। तो चलो जी फिर आप स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, प्रश्न नंबर 1 देखो, किसने ब्रिटिश सरकार की तरफों अमृतसर 1809 की संधि से हस्ताक्षर किए सन? तो देखो जी, एक स्टोरी बना के समझ देंगे। एक प्रश्न आता होंगे गा, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी कदों बनाया सीगा? 1799, ठीक है जी। प्रश्न इस तरह भी आ सकता गा, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को कदों जितया सीगा? 1799। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कदों होया सीगा? 1780, ठीक है जी। तो 1801 महाराजा रणजीत सिंह ने अपने आपनूं पंजाब का महाराजा घोषित करता सी, ठीक है जी। तो उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह अपने राज का विस्तार करते गए, गुजरात का इलाका जितया, अपना मुल्तान का इलाका जितया। तो उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह किधर बधे? मालवे वाल बधे, ठीक है जी। दक्षण वाल बधे, साउथ वाल बधे। तो 1708 महाराजा रणजीत सिंह ने मालवे पर हमला करता, ठीक है जी। मालवे के जोड़े लोगल रूलर से उन्हें सहायता कितों मंगी? अंग्रेज़ों को। सो अंग्रेज़ फौज ने भी 1809 महाराजा रणजीत सिंह की फौज उपर हमला करता, ठीक है जी। ये हमले का कंकलूजन की निकलिया सी, अंत की निकलिया सीगा? अमृतसर 1809 की संधि किन्ना विचकार हुई सी? महाराजा रणजीत सिंह ते अंग्रेज़ों वालों कौन सीगे? चार्ल्स टी मेटकैफ, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। तो संधि विच है की सीगा? संधि विच सी अपने जो सतलुज दरिया, ठीक है जी। भी महाराजा रणजीत सिंह सतलुज दरिया पार करके साउथ वाल दक्षण वाल अपना विस्तार होर नहीं करेंगे, मालवे इलाके वाल, ठीक है जी। तो अंग्रेज़ महाराजा रणजीत सिंह जो सतलुज दरिया गा इनू एक पक्की सरहद मनणगे, अंग्रेज़ फौज अपनी अंग्रेज़ सरकार ते सिख राज विचकार, ते अपने जिहड़े अंग्रेज़ ने वह भी सिख राज विच कोई इंटरफेयर नहीं करनगे, ठीक है जी। ये सारा कुछ डिस्कस होया सीगा अमृतसर 1809 की संधि विच। एग्जैक्ट डेट की गल करिए कदों हुई सीगी? 25 अप्रैल, ठीक है जी, 25 अप्रैल 1809। ये सारिया गल्लां नोट कर लो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 2 देखो, भंगाणी की लड़ाई किस साल विच हुई सी? तो देखो जी, भंगाणी की लड़ाई किन्हां दी? गुरु गोबिंद सिंह लड़ाई हैगी। गुरु गोबिंद सिंह दी लड़ाई नूं आपां दो भागां विच वंड सकदे हांगे, 1699 तो पहलों की लड़ाइया, 1699 तो बाद की लड़ाई, ठीक है जी। जो कह सकते हो खालसा पंथ की साजना तो पहलों की लड़ाइया, तो खालसा पंथ की साजना तो बाद की लड़ाइया। पहलों की लड़ाइया किनिया ने गिया? पहलों की लड़ाइया केवल 2 ने गिया, कि एक तो भंगाणी की कदों हुई सी? 1688, तो एक हैगी अपनी नदौण की लड़ाई, ठीक है जी। ये कदों हुई सी? हुई सी अपनी 1690, ठीक है जी। ये केवल 2 याद रख लियो, खालसा पंथ की साजना तो पहलों की लड़ाइया, तो खालसा पंथ की साजना तो बाद की लड़ाइया कि नोट करो, 1701 आनंदपुर साहब की पहली लड़ाई, ठीक है जी। आनंदपुर साहब की पहली लड़ाई, ठीक है जी, और मैं लिख देना फस्ट। तो 1702 हुई सी अपनी बसौली की, ठीक है जी। एक हुई सी निरमोह की लड़ाई, ठीक है जी। तो 1704 एक तो होया सी आनंदपुर साहब का दूसरा युद्ध, आनंदपुर साहब, ठीक है जी, और मैं लिख देना सैकंड, ठीक है जी। एक हो जी 1704 चमकौर साहब की लड़ाई, चमकौर साहब, ठीक है जी।
ਇਹ ਵੀ 1704 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਵੀ 1704 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? 1705 ਵਿੱਚ ਖਿਦਰਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1705 ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀ ਨੇਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? 1688 ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਨਦੌਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? 1690 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ। 1701 ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, 2 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਸੌਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਲੜਾਈ, 4 ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਯੁੱਧ, ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅਤੇ ਸਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖਿਦਰਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, 1920 ਵਿੱਚ। ਐਗਜੈਕਟ ਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇਖੋ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਜੂਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 1845 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ 62 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1840 ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ 1920 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇਖੋ, ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹੀ ਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪੈਪਸੂ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੈਪਸੂ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ। ਪੈਪਸੂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ। ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ। ਅਤੇ 8 ਸਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟਿਆਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਪੈਪਸੂ ਦੀ? ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੀਂਦ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਲਸੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਸੀਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈ ਟੋਟਲ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ਸੋ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਜੂਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੀਂਦ, ਕਲਸੀਆ, ਨਾਭਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? 8। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ CM ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ CM ਸੀ ਕਦੋਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਬਣੇ ਸੀਗੇ 13 ਜਨਵਰੀ 1949 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਸਮਾਂਕਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ? 48 ਤੋਂ ਆਪਣਾ 56 ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੇਖੋ, 16ਵੀਂ ਈਸਵੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਲੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ। ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕਿਹਨੂੰ? ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਜੂਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਜੂਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ।
हाँ जी प्रश्न नंबर 7 देखो, किहड़े सिख एंगलो युद्ध तो बाद लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब नूं अंग्रेज़ हुकूमत विच मिला लिया। तो देखो जी किहड़े सिख एंगलो युद्ध तो बाद, इत्थे तुहाडा राइट ऑप्शन आजूगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे सिख एंगलो युद्ध तो बाद। ठीक है जी, तो आखिरी लड़ाई पूछ लेंदे हुंदे आगे दूसरे सिख एंगलो युद्ध की, 21 फरवरी 1949 विच किहड़ी लड़ाई हुई सीगी, गुजरात की। ठीक है जी, गुजरात की लड़ाई हुई सी। ठीक है जी, इतने बहुत बंदूकों का इस्तेमाल किया गया सी, अंत सिख फौज की इतने हार हो गई सी, तो अंग्रेजा ने पंजाब अंग्रेजों के अधीन हो गया। ठीक है जी, महाराजा दलीप सिंह की पेंशन लाती सी। ये सारी गल्लां नोट कर लो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 8 देखो, महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में पंजाब दी पूर्वी और पछ्छमी सरहदा कहड़ियां सन। हाँ जी, आप उपरी गल करके हटिया के पछ्छमी सरहद की गल करी कहड़ी सी, सतलुज दरिया। ठीक है जी, सतलुज नदी। तो पूर्वी की गल करी कहड़ी सी, खैबर पास, खैबर दरा। ठीक है जी, तो कई बार अपनी दखनी भी पूछ लेंदे, दखनी की सी, दखनी जी आप एंड देखिए थार मारूथल से। ठीक है जी, थार मारूथल विस्तार किया थार मारूथल तक, तो अगे आप देखिए उत्तरी, उत्तरी कहड़ी सी, कश्मीर। ठीक है जी, सो यी अपन महाराजा सिंह ने सारी अजकल हद्दा। ठीक है जी, ये नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 9 देखो, नवाब कपूर सिंह ने किसनों सुल्तान उल कवाम की पदवी दी। तो देखो जी, ये पदवी दी सी ऑप्शन नंबर अपना बी, बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, जस्सा सिंह आलूवाले जी ने। ठीक है जी, कदों दी सी, ये दी 1748 सरबत खालसा की मीटिंग। ठीक है जी, सरबत खालसा की मीटिंग। ठीक है जी, नोट करो, बहुत बहादुर सी जस्सा सिंह आलूवाली। तो देखो तुहानू पता होना रैड फोर्ट उपर भी चढ़ाई की थी जिन्होंने, जस्सा सिंह आलूवाली आ, जस्सा सिंह रामगढ़ी आ, तो अपने कौन सी, बघेल सिंह। ठीक है जी, इन्होंने मिल के रैड फोर्ट उपर हमला किया, उत्ते निशान साहब भी झुलाता सीगा। ठीक है जी, तो जिहड़े जस्सा सिंह आलूवाली सीगे थरौन उपर भी बह गए सीगे, तख्त उपर भी बह गए सीगे, पर जिहड़े जस्सा सिंह रामगढ़ी सीगे इन्होंने की कहा भी सरबत खालसे की अनुमति बिना कोई भी तख्त उपर नहीं बैठ सकता। ठीक है जी, सो यह होया सी अपना जिहड़ा कहिंदा रैड फोर्ट का इंसीडेंट्स होया सी, यह होया सी अपना 1783। ठीक है जी, नोट करो, मार्च 1783। तो बाकी जस्सा सिंह आलूवाली ने एक मिस के नाल संबंधित आ किहड़ा गा फाउंडर ने गए आलूवाली मिस। ठीक है जी, ये नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 10 देखो, किहड़े गुरु साहिबान नूं बाला प्रीतम कहा जाता सी। हाँ जी, सारे नूं पता होना चाहिए, इत्थे अपना राइट ऑप्शन की आजूगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु हरकृष्ण साहिब जी। ठीक है जी, जन्म इन्हां दा होया सीगा अपना 1656, ते ज्योति जोत कदों समा गए सीगे 64 विच। ठीक है जी, 8 सालां दी उम्र विच की समा गई, ज्योति जोत समा गई सी, इस करके इन्हां नूं की कहा जाता सीगा, बाला प्रीतम कहा जाता। ठीक है जी, इन्हां नूं बाल गुरु भी कहा जाता सीगा। गुरु अमरदास जी संबंधित प्रश्न आ सकता, सब तो वड्डी उम्र के गुरु किहड़े रहे सन, गुरु अमरदास जी 95 सालों की उम्र में ज्योति जो समाए से। ठीक है जी, तो गुरु तेग बहादुर से संबंधित प्रश्न आ सकता गा, गुरु तेग बहादुर ने किहड़े मुगल बादशाह ने शहीद कराया सीगा, औरंगजेब ने करवाया सी। ठीक है जी, सब नूं पता होना चाहिए है, औरंगजेब ने किथे, दिल्ली चांदनी चौक दिल्ली विखे। ठीक है जी, चांदनी चौक दिल्ली विखे करवाया सी। गुरु अर्जन देव जी, गुरु अर्जन देव जी ने संबंधित भी ये प्रश्न आउंदा हुंदा गा, गुरु अर्जन देव जी ने किहड़े मुगल बादशाह ने शहीद करवाया। ठीक है, 33 तवी ते बैठे सीगे, सो ये करवाया सीगा जहांगीर ने। ठीक है जी, जहांगीर हुण आने वाले दिनों में शहीद दिवस भी आने वाला गा गुरु अर्जन देव जी का। ठीक है जी, कदों 16 जून 1906। ठीक है जी, ये सारिया गल्लां नोट कर लेनी नेगिया। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 11 देखो, मसंद प्रथा किहड़े गुरु साहिबान द्वारा चलाई गई सी। हाँ जी, जिहड़ी मसंद प्रथा सी ये चलाई गई सी, ऑप्शन नंबर अपना ए, बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी जन्म होया सीगा 1534, तो ज्योति जोत कदों समाया सीगा 1581। ठीक है जी, इन्हां द्वारा चलाई गई सी मसंद प्रथा। मसंद प्रथा की सी, मसंद प्रथा सी भी हरेक सिख अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करेगा। ठीक है जी, तो दान नूं खट्टा करन लई गुरु साहिबान ने जिहड़े व्यक्तियों की ड्यूटी लई सी उन्हां नूं की कहा जाता सीगा, मसंद कहा जाता। ठीक है जी, पर हौली हौली जिहड़े मसंद सीगे की हो गए जी, भ्रष्ट हो गए सीगे। सो जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह जी सीगे उन्होंने मसंद प्रथा नूं की करता सीगा, खत्म करता सी। ठीक है जी, ये सारी गल्लां नोट कर लेने गिया। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 12 देखो, वैदिक नदी बतासता नूं अजकल किस नाम नाल जाणिया जांदा है। हाँ जी, किस नाम नाल जाणिया जांदा है, इत्थे हुण राइट आप की आजूगा ऑप्शन नंबर डी, जेलम के नाम नाल जाणिया जांदा। ठीक है जी, सारी नदियों के वैदिक नाम याद कर लेने गए, ग्रीक नेम याद कर लेने। ठीक है जी, पी वाई क्यू करन दा मतलब की हुंदा गा, पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करन दा मतलब की हुंदा गा, भी जिहे जिहे क्वेश्चन आया होया गया आपां उहदे रिलेटड होर क्वेश्चन तैयार कर सकीए। ठीक है जी, आने वाले पेपर वाली, सो पी वाई क्यू करन दा मेन मतलब आही हुंदा गा, भी कितों प्रश्न आउंदे हैगे आपां देख सकीए, किहे जिहे प्रश्न आउंदे हैगे, ते उहनां नाल संबंधित किहड़े प्रश्न बन सकदे आ, उह आपां तैयार कर सकीए आने वाले अपने एग्जाम लई। ठीक है जी, ये नोट कर लो। चलो अगला प्रश्न देखो।
हाँ जी प्रश्न नंबर 13 देखो, महाराज जीत सिंह के पिता किस मिसल नाल संबंधित सन। हाँ जी महाराज जीत सिंह के पिता ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, शुकर चक्किया मिसल नाल संबंधित सन। ठीक है जी, शुकर चक्किया मिसल संस्थापक पूछ लेंदे हुंदे कौन सीगे, बुद्ध सिंह सी। ठीक है जी, बुद्ध सिंह शुकर चक्किया मिसल संस्थापक सीगे। ते भंगी मिसल संस्थापक कौन सीगे, हरी सिंह ढिल्लो। कौन सी, हरी सिंह ढिल्लो। ठीक है जी, ये भंगी मिसल संस्थापक सीगे। आलू वाली मिसल संस्थापक जिवें तुहानू दस्सिया सी जस्सा सिंह आलू वाली सी। ठीक है जी, डल्ले वाली मिसल संस्थापक कौन सीगे, गुलाब सिंह डल्ले वाली। कौन सीगे, गुलाब सिंह डल्ले वाली। ठीक है जी, तो महाराज सिंह के पिता का नाम की सीगा, महा सिंह सी। ठीक है जी, तो दादा के नाम पूछ लेंदे हुंदे आगे महाराज सिंह के, की नाम सीगा, चरत सिंह। ठीक है जी, ये सारियां गल्लां नोट कर लो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 14 देखो, उस गुरु साहिबान का नाम दसो जिन्हों का जन्म और शहीद स्थान एक ही सी। तो देखो जी, जो गुरु हर राय जी सके इन्हों जन्म कितने हुआ सीगा, कीरतपुर विखे। ठीक है जी, कीरतपुर साहब विखे। तो ज्योति जोत भी कितने समाए सन, कीरतपुर साहब विखे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। गुरु अंगद देव जी का जन्म कितने हुआ सीगा, गुरु अंगद देव जी का जन्म हुआ सी मत्ते की सराय विखे। तो ज्योति जोत कितने समाया सीगा, खडूर साहब विखे। गुरु रामदास जी जन्म कितने हुआ सीगा, चूना मंडी लाहौर विखे। ठीक है जी, तो ज्योति जोत कितने समाया सीगा, गोइंदवाल साहब विखे। गुरु हरकृष्ण साहब जी जन्म कितने हुआ सीगा, जन्म हुआ सीगा कीरतपुर साहब विखे। तो ज्योति जोत कितने समाए सीगे, दिल्ली विखे। ठीक है जी, एक इन्हां दे पुत्र सीगे, गुरु हर राय जी के पुत्र से। ठीक है जी, ये सारी गल्लां नोट कर लेनी है। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 15 देखो, हेठ लिखियां विचों किहड़ियां लड़ाइया खालसा पंथ की साजना तो पहलां दी लड़ाइयां हन। हाँ जी, आपां उपर पढ़ के हटी सी सारियां लड़ाइया, सो किहड़ी लड़ाई है इन्हां विचों, ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, भगाणी लड़ाई। ठीक है जी, कदों हुई सी, 1688 विच हुई सी। किन्हां किन्हां विचकार, गुरु गोबिंद सिंह जी सीगे ते कौन सीगा, भीम चंद सी। ठीक है जी, भीम चंद कित्थों दा राजा सीगा, ये बिलासपुर का। तो एक प्रश्न आता हूँ गा, गुरु गोबिंद सिंह जी की पहली लड़ाई किहड़ी नदी के कंढे ते हुई सी, किहड़ी नदी सी, ये गिरी नदी। ठीक है जी, बिहार विच आई। ये सारी गल्लां नोट कर लेने गियां। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 16 देखो, जपजी साहब जी की बाणी किस राग विच लिखी गई है। हाँ जी, किस राग विच लिखी गई है, इत्थे अपना राइट ऑप्शन आजूगा, ऑप्शन नंबर सी राग आसा। ठीक है जी, किन्हां ने लिखी जपजी साहब, गुरु नानक देव जी ने। होर किहड़ी किहड़ी बाणी ने गुरु नानक देव जी, जपजी साहब हो गया, आसा दी वार हो गया। ठीक है जी, तो ओंकार हो गया, सिद्धू गोष्ट हो गया। ठीक है जी, सिद्ध गोष्ट हो गया, और अपना बारह माह हो गया। ठीक है जी, बारह माह हो गया। ये सारी बाणी किन्हां दी नेगियां, गुरु नानक देव जी दी बाणी ने। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 17 देखो, कूका लहर दे संस्थापक कौन सन। हाँ जी कौन सन, सारे पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, बाबा बालक सिंह। ठीक है जी, कूका लहर नूं कड़े नाम जाने जाता, नामधारी लहर नाल भी जाने जाता। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 18 देखो, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स लई किसनों जाने जाता है। हाँ जी देखो, भारत में पहली बार फाइबर ऑप्टिक्स का जोड़ा इनवेंट सगा, जोड़ा इस्तेमाल सगा, कि ने किया, ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, नरेंद्र सिंह कपड़े ने। ठीक है जी, 1953 ये नोट कर लियो। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 19 देखो, पहले सिख एंगलो युद्ध में सिख फौज की अगवाई किसने की थी। तो देखो जी, पहले सिख एंगलो युद्ध में काफ़ी लड़ाइया हुई सगिया। ठीक है जी, ये अपना दिसंबर तो लैके दिसंबर 1845 तो लैके 1846 फरवरी तक चलिया। ठीक है जी, तो ये जी काफ़ी लड़ाइयों में अगवाई किन्ह ने की थी, लाल सिंह ने की थी। ठीक है जी, तो सिख फौज में धोखा भी इन्होंने दिता, जिस करके सिख फौज की हार हो गई। ठीक है जी, ये नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो। जी प्रश्न नंबर 20 देखो, बारह माह की रचना किहड़े गुरु साहबान ने की। हाँ जी, आप उपरी गल करके हटे हैं, किहड़े गुरु साहबान ने की, इतने हम राइट ऑप्शन आजूगा, ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक देव जी। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो जी। फिर गुरु ग्रंथ साहब जी विच दर्ज आसा दी वार किनिया पौड़ियां संग्रह है। हाँ जी, किनिया पौड़ियां संग्रह है, इतने अपना राइट ऑप्शन की आजूगा, ऑप्शन नंबर बी 24 पौड़ियों का संग्रह है। ठीक है जी, आसा दी वार, ये नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 22 देखो, हरी सिंह नलबा जी की मौत कदों हुई। तो देखो जी, जो हरी सिंह नलबा जी, इन्हना जन्म होया 1791। ठीक है जी, 1791 कितने हुआ सगा, गुजरांवाला विखे। ये भी प्रश्न आया हुआ है, अजक गुजरांवाला कितने है, पाकिस्तान विच। ठीक है जी, तो शहीद कदों हो गए जी, 1837 विच। एग्जैक्ट डेट की गल करिए 30 अप्रैल, ठीक है जी, 1837 विच, जमरौद की लड़ाई विच। ठीक है जी, कितने, जमरौद की लड़ाई विच, कदों हुई जी, जमरौद की लड़ाई 1837 विच हुई सी। दोस्त मुहम्मद खान सीगा, नाल उहदे 5 पुत्तर सीगे, ते सिख फौज केवल 600 सी। ठीक है जी, ते ना सिख फौज कोई आधुनिक हथियार सीगा, तो सिख फौज उपर हमला बोलते थे दोस्त मुहम्मद खान। ठीक है जी, सो इत्थे की हो गई सी, हरी सिंह नलबा जी की
हार हुई थी। ठीक है जी, ये नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 23 देखो, कदों और कितने पहले खालसा काल की स्थापना हुई। हाँ जी, पहले खालसा काल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल राइट आंसर आजगा, अमृतसर 1892। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 24 देखो, महान कोश किसके द्वारा लिखित है। हाँ जी, किसके द्वारा लिखित सब नूं पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आजगा, भाई कान सिंह नाभा जी। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 25 देखो, हेठ लिखे विचों कौन पंजाब रियासती प्रजा मंडल का प्रधान चुने गया। हाँ जी, पहला देखो पंजाब रियासती प्रजा मंडल है कि सी, तो देखो जी अंग्रेजों नाल गल करन लई देश विच अलग अलग धड़े बने हुए थे। ठीक है जी, जिवें कांग्रेस हो गई, मुस्लिम लीग हो गई, पर जिहड़ा अपना पंजाब सीगा, खासकर अपना ईस्ट पंजाब ते अपना दक्षण वाला पंजाब, इत्थे जिहड़े रियासत सीगियां, इत्थे दे लोकां दी गल कोई अंग्रेजां तक पहुँचाउण वाला है नहीं सी। ठीक है जी, सो 1928 पंजाब रियासती प्रजा मंडल का गठन किया गया। ठीक है जी, इहदे जिहड़े पहले प्रधान सी कौन सी, सेवा सिंह ठीकरीवाल। ठीक है जी, पंजाब दे लोकां दी समाजिक जिहड़ी उन्हें समाजिक अधिकार ते उन्हां दे पोलीटिकल अधिकारां दी राखी लई इहदा गठन किया गया। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो फिर। हाँ जी, प्रश्न 26 देखो, ब्यास नदी का ग्रीक नाम की सी। तो देखो जी, ब्यास नदी का ग्रीक नाम की, सब नूं पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आजगा, हाइपोसिस। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आजगा। तो बाकी सारी नदियों के ग्रीक नाम एशियन नेम याद कर लो। ठीक है जी, बार बार पूछे जाते पेपर में, इतने तुम्हें मैं फोटो ला दूंगा, याद देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 27 देखो, महाराज रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन सी। हाँ जी, सब नूं पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आजगा, खड़क सिंह। ठीक है जी, महाराजा खड़क सिंह, इन्हें जन्म होया सीगा 1801 विच, ते इन्हां दी मौत हो गई सीगी 1840 विच। ठीक है जी, महाराज रणजीत सिंह दी मौत होई सी 48 विच, ते एक साल बाद इन्हां दे पुत्र खड़क सिंह दी मौत हो गई। ठीक है जी, ते नौ निहाल सिंह खड़क सिंह दा पुत्र सी, शेर सिंह महाराज रणजीत सिंह दी पुत्र सी। ठीक है जी, हरी सिंह नल जी बारे आपां उपर पढ़ के हटेंगे। ठीक है जी, सो सारियां गल्लां नोट कर लो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 28 देखो, श्री हरिमंदर साहब दे पहले ग्रंथी कौन सन। हाँ जी, कौन सी, सब नूं पता होना चाहिए। इतने मैं राइट ऑप्शन की आजगा, ऑप्शन नंबर ए बाबा बुढ़ा जी। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 29 देखो, बाबर ने पंजाब उत्ते किन्नी बार हमला किया। हाँ जी, ये प्रश्न मैं पहला भी एक बार किया, किन्नी बार हमला किया, टोटल 5 बार किया। ठीक है जी, पहली बार पूछ रहे हैं हमला कदों किया, पहली बार किया 1519। ठीक है जी, कि इलाके जितते पहली बार, बजौर तो भेरा के इलाके। ठीक है जी, यह प्रश्न आया हुआ, पहली बार किहड़े इलाके जिते सी, बजौर ते भेरा, ते इहदे लोगों उपर काफ़ी जुल्म किया सी। इन्हां जुल्मां जिक्र कित्थे सी कीता, गुरु नानक देव जी ने कित्थे कीता सी, बाबर बाणी विच। ठीक है जी, यह भी प्रश्न आया हुआ गा, सो सारियां गल्लां नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 30 देखो, किहड़े सूफी संत ने भारत नूं दुनिया दा स्वर्ग कहा सी। हाँ जी, किहड़े सूफी संत ने कहा सीगा। हाँ जी, यह कहा सीगा अमीर खुसरो ने। ठीक है जी, अमीर खुसरो दे जिहड़ियां मशहूर अपनियां रचनावां ने, तुगलकनामा। ठीक है जी, एक इन्हां दा सौंग हैगा, गीत हैगा चाप तिलक, तुसीं सुनिया भी होना चाप तिलक। ठीक है जी, वह भी इन्हां द्वारा रचिता। ठीक है जी, सो सारियां गल्लां नोट कर लो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 31 देखो, गुरमुखी लिपि की शुरुआत किन्हां ने की सी। हाँ जी, किहड़े गुरु जी ने गुरमुखी लिपि की शुरुआत की सी। सो ये सीगा ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आजगा, गुरु अंगद देव जी। ठीक है जी, गुरु अंगद देव जी के पुत्रां दा नाम पुछ लैंदे हुंदे आ, की सी पुत्रां दा नाम, दातू जी अते दासू जी। ठीक है जी, दातू जी अते दासू जी, ते इन्हां दी पुत्री सीगी बीबी अमरो। ठीक है जी, ये भी नोट करो। तो इन्होंने परंपरा कि शुरू की सी, प्रश्न आना उनका मल अखाड़े वाली। ठीक है जी, मल अखाड़ा किन्होंने चलवाया सी परंपरा, गुरु अंगद देव जी। ठीक है जी, तो एक इन्होंने शहर किहड़े दा निर्माण कराया सीगा, अक्सर पूछा जाता प्रश्न, खडूर साहब। किहड़े शहर का निर्माण करवाया सीगा, खडूर साहब। ठीक है जी, ये सारियां गल्लां नोट कर लो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 32 देखो, मीर सैयद अली हमदानी किस सूफी धारा के नेता सन। हाँ जी, ये ऑप्शन नंबर अपना इतने सी बिल्कुल राइट आंसर आजगा, कुबराबिया। ठीक है जी, कुबराबिया सूफी धारा के नेता सीगे। चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 33 देखो, महाराज रणजीत सिंह ने कश्मीर नूं कदों जितया। तो एक काम करो, महाराज रणजीत सिंह की सारी लड़ाइया नोट करो, 1799 विच लाहौर नूं जितया। ठीक है जी, 1805 विच अमृतसर नूं जितया, अमृतसर जितया। ठीक है जी, तो उस तो बाद 1807 विच कसूर नूं जितया। ठीक है जी, तो अपने झंग नूं जितया, तो 1808 विच किहड़ा इलाका जितया, 1808 विच सियालकोट नूं जितया। ठीक है जी, तो 1809 विच किहड़ा इलाका जितया, 1809 विच जितया सी अपना कांगड़े दा इलाका। ठीक है जी, तो उस तो बाद 1813 विच जितया सी अपना अटक, हाँ अटक नूं जितया। ठीक है जी, तो उस तो बाद अपना 1800
ਵਿੱਚ 1818 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 1818 ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 1819 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1834 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਰੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, 1799 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। 1805 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, 1807 ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਅਤੇ ਝੰਗ ਨੂੰ, 1808 ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ, 1809 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜੇ ਨੂੰ, 1813 ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 1818 ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, 1819 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। 1834 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ? 1819 ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ? ਜਬਰ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਬਰ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ 34 ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 13 ਨਵੰਬਰ 1780 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ? ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਰਾਜ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 27 ਜੂਨ 1848 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 1848 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਜੂਗਾ? ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 35 ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਜੂਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ? 1605 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 37 ਦੇਖੋ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ 1846 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਜੂਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ 9 ਮਾਰਚ 1846 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ? ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1846 ਦੀ ਸੰਧੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ? ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ 40 ਦੇਖੋ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ 400 ਮੀਟਰ ਰੇਸ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਜੂਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, 1957 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 58 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 62 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ? ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 41 ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਐਂਗਲੋ ਯੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਐਂਗਲੋ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ ਅਰਾਊਂਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਮੁਦਕੀ ਵਿਖੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਐਂਗਲੋ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮੁਦਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 42 ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਲੜੀ? ਜਾਂ ਉੱਪਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆਂਗੇ, ਭਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਸੀ? 1688 ਵਿੱਚ ਗਿਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 43 ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਬੀ, ਸਰ ਸਾਇਰਲ ਰੈਡਕਲਿਫ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 44 ਦੇਖੋ, 1604 ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਦੋਂ? 1604 ਵਿੱਚ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਕੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 45 ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, 1783 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ,
हाँ जी प्रश्न नंबर 46 देखो, अमृतसर साहब की स्थापना कदों हुई। हाँ जी अमृतसर साहब की स्थापना कदों हुई सी 1574 किन्ना ने की, सबनों पता होना चाहिए, गुरु रामदास जी। ठीक है जी, गुरु रामदास जी ठीक है जी। गुरु रामदास जी की पत्नी का की नाम सीगा, बीबी भानी जी ठीक है जी, ये भी नोट करो। तो इन्हों का जन्म कितने होया सी, चूना मंडी लाहौर विखे, तो ज्योति जोत कितने समाए सके, गोइंदवाल साहब विखे। ठीक है जी, ये नोट कर लियो। तो बाकी की नाम ना होर पुकारा जाता है अमृतसर साहब नूं, रामदासपुरा, गुरु का चक। ठीक है जी, ये सारे चीज़ां तुसीं नोट कर लेनी ने गियां। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 47 देखो, महाराज रणजीत सिंह दे वित्त मंत्री का नाम की सी। हाँ जी महाराज रणजीत सिंह दे वित्त मंत्री का नाम सीगा, ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, दीनानाथ मदान। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। कई बार जनरलों के नाम पूछ लेंगे, जनरल कहे कि महाराज रणजीत सिंह दे, एक तो सी अपने जी सबनों पता होना गा, सरदार हरी सिंह नलवा। ठीक है जी, ये तो सबनों पता ही होना गा, सरदार हरी सिंह नलवा। ठीक है जी, एक सीगे साम सिंह अटारी वाला। ठीक है जी, साम सिंह अटारी वाला, ये भी नोट करो। तो एक सीगे अपने गुरमुख सिंह लांबा। ठीक है जी, ये याद रख लो तिने तुसी। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 48 देखो, गुरु अर्जन देव जी ने किहड़े शहर में बौली का निर्माण करवाया। हाँ जी किहड़े शहर में करवाया, इत्थे अपना राइट ऑप्शन की आजूगा, ऑप्शन नंबर बी लाहौर विखे करवाया। ठीक है जी, जे गुरु अर्जन देव जी बारे पुछ लैन बौली साहब का निर्माण कितने कराया, लाहौर विखे करवाया। जे गुरु अमरदास जी बारे पुछ लैन कितने करवाया सीगा, बौली साहब का निर्माण गोइंदवाल साहब विखे। ठीक है जी, गोइंदवाल साहब। ठीक है जी, ये नोट करो। बाकी गुरु अर्जन देव जी का जन्म कदों होया सीगा, 1563 ईस्वी में, ज्योति जोत समाए सीगे 1606। ठीक है जी, जून 1606 लाहौर विखे। तो बाकी इन्होंने शहर किहड़ा वसाया सीगा, तरन साहब। ठीक है जी, तरन साहब। ठीक है जी, ये नोट करो। तो इन्हां दी बाणी कि हैगी, सुखमणी साहब। कि बाणी रचना की सी, सुखमणी साहब। ठीक है जी, आदि ग्रंथ भी इन्होंने लिखाए से किन्ना कोलों, भाई गुरदास जी कोलों। ठीक है जी, ये सारिया गलों नोट कर लेना गा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 49 देखो, पैपसू दे पहले सीम कौन सन। हाँ जी आप उपर गल की सी, ए आंसर की कर दो, कमेंट करके सारे जने दस दो। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 50 देखो, फिरोज़ शहर की लड़ाई कदों हुई। हाँ जी एक काम करो, पहले सिख एंगलो युद्ध दी सारियां लड़ाइयां नोट करो। पहली लड़ाई हुई सी मुदकी दी, ये हुई सी अपनी 18 दिसंबर 1845। ठीक है जी, उस तो बाद लड़ाई हुई सी अपनी फिरोज़ शहर दी। ठीक है जी, फिरोज़ शहर दी ये कदों हुई सी, ये हुई सी 3 दिन बाद 21 दिसंबर 1845। ठीक है जी, तो उस तो बाद लड़ाई कदी हुई सी, बद्दोबाल दी लड़ाई। ठीक है जी, ये कदों हुई सी, ये हुई सी अपनी 21 जनवरी 1846। ठीक है जी, तो उस तो बाद कड़ी लड़ाई हुई सी, उस तो बाद हुई सी अलीवाल दी लड़ाई। ठीक है जी, ये कदों हुई सी, ये हुई सी अपनी 28 जनवरी 1846। ठीक है जी, तो उस तो बाद आखिरी पहले सिख एंगलो युद्ध की आखिरी लड़ाई कड़ी हुई सी, ये हुई सी अपनी सबराओं की लड़ाई। ठीक है जी, कड़ी लड़ाई हुई सी सबराओं की लड़ाई, ये कदों हुई सी, 10 फरवरी 1846। ठीक है जी, दोबारा एक बार होर नोट करो, मुदगी की लड़ाई कदों हुई सी, 18 दिसंबर 1845। उस तो बाद जो अपना प्रेषण है, फिरोज़ शहर की लड़ाई कदों हुई सी, 21 दिसंबर 1845। उस तो बाद लड़ाई हुई सी बद्दोवाल की, 21 जनवरी 1846। उस तो बाद कड़ी लड़ाई हुई सी अलीवाल की, 28 जनवरी 1846। उस तो बाद कड़ी लड़ाई हुई सी सबराओं की आखिरी लड़ाई पहले सिख एंगलो युद्ध की, 10 फरवरी 1846। ठीक है जी, ये सारिया लड़ाइया तुम नोट कर लेने नेगियाँ। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 51 देखो, कामागाटा मारू घटना वाले बाबा गुरदत्त सिंह का जन्म पंजाब के किहड़े जिले में होया। हाँ जी ये जिला सीगा, ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, अमृतसर विखे। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 52 देखो, हेठ लिखियां विचों किसी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं कैद किया अते शहीद करवाया सी। हाँ जी कैद किया सी फारूक शियार ने। ठीक है जी, गुरदासपुर तो कैद करके काफ़ी सारे सिखां नूं होर कित्थे लै गए सीगे, दिल्ली लै गए सीगे, उत्थे सिखां उपर काफ़ी टॉर्चर होया सी। ठीक है जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर के पुत्र का दिल कढ के उन्होंने मूँह में भी पाया गया, फिर भी उन्होंने की हार नहीं मनी सी। ठीक है जी, 3 महीने टॉर्चर सहन तो बाद फिर वह शहीद हो गए सी। ठीक है जी, तो बाकी बंदा सिंह बहादुर के की नाम पूछे जाते हैं, तो देखो जो बर्थ नेम सीगा बाबा बंदा सिंह बहादुर का, वह की सीगा लक्ष्मण देव। ठीक है जी, की सीगा
लसमण देव, ठीक है जी। उस तो बाद जो घरों 15 साल की उम्र तो बाद घरों आ गए थे, बैरागी बन गए थे। की नाम से उन्होंने फिर माधोदास बैरागी, ठीक है जी। फिर उन्होंने नाम की पै गया सीगा माधोदास बैरागी, ठीक है जी। ये नोट करो। तो बाकी गुरु गोबिंद सिंह जी ने की नाम दिता सीगा बंदा सिंह बहादुर, ठीक है जी। बंदा बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा सीगा। सो ये सारे नाम नोट कर लो। पहला नाम की सीगा बरत दा नाम लक्ष्मण देव, उस तो बाद जो बैरागी बन गए थे फिर की नाम पै गया सी माधोदास बैरागी, ठीक है जी। फिर उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने नाम की दिता सीगा बाबा बंदा बहादुर, ठीक है जी। ये सारी चीज़ा नोट कर लेनी ने गियाँ। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न 52 देखो। सुखमनी साहब जी की बाणी गुरु अर्जन देव जी द्वारा कितने रची गई? हाँ जी, ये रची गई थी रामसर सरोवर से, ठीक है जी। 1602 आदि ग्रंथ साहब जी की रचना तो पहला, ठीक है जी। ये नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न 54 देखो। मीरी एंड पीरी सिग्निफाई, इतने अपना की राइट ऑप्शन आ जाऊगा ऑप्शन नंबर बी, टैंपोरल एंड स्पिरिचुअल, ठीक है जी। सब नूं पता गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 2 तलवारां धारण की सी, मीरी एंड पीरी कह के बुलाया, ठीक है जी उन्होंने। सो गुरु हरगोबिंद साहब जी जन्म कदों होया सीगा? 1595 विच इहना जन्म होया सीगा। ते ज्योति जोत इह समाए सीगे 1644 विच, ठीक है जी। 1644 विच ज्योति जोत समाए सीगे। बडाली विखे अमृतसर विखे इहना जन्म होया सीगा। ते ज्योति जोत कित्थे समाए सीगे? कीरतपुर साहिब विखे, ठीक है जी। एक इहना ने किले का निर्माण करवाया सीगा अमृतसर साहिब विखे, की सी किले का नाम? लोहगढ़ का किला, लोहगढ़ के किले का निर्माण करवाया सी, ठीक है जी। ये नोट कर लियो। ते बाकी किहड़े राजे ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं कैद कीता सीगा? जहांगीर ने, ठीक है जी। सो सारी गल्लां नूं की कर लैणा? नोट कर लैणा गा। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 55 देखो। बंगाल की वंड कदों हुई? तां सब नूं पता जी कदों हुई सी बंगाल की वंड, कदों हुई सीगी? 1905 विच, ठीक है जी। एग्जैक्ट डेट की गल करिए 16 अक्टूबर 1905 विच, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आ जूगा। चलो अगला प्रश्न देखो। किने कीती सी, के वी नोट करो। लॉर्ड करजन ने, ठीक है जी। लॉर्ड करजन ने कीती सी कदों? 1905 विच। एक अपना की वैसट बंगाल बनाता सी, एक अपना की बनाता सीगा ईस्ट बंगाल। जिहड़ा अपना सीगा वैसट बंगाल उधर की हिंदू जनसंख्या वध करती सी, जिहड़ा अपना ईस्ट बंगाल सीगा उधर मुस्लिम जनसंख्या वध सी, ठीक है जी। ये नोट करो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न 55 देखो। लंगर प्रथा किहड़े गुरु साहिबान ने चलाई सी? हाँ जी, सब नूं पता होना है तां ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आ जूगा, गुरु नानक देव जी, ठीक है जी। जन्म होया सी 1469 विच, ते ज्योति जोत कदों समाए सीगे? 1549 विच, ठीक है जी। ते किहड़े शहर दा निर्माण करवाया सीगा? करतारपुर साहब, ठीक है जी। ये नोट कर लो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 57 देखो। पंजाब की दाढ़ी वाली मदर टेरेसा के नाम नाल कौन जाने जाता है? हाँ जी, कौन जाने जाता है? इतने उन्होंने राइट ऑप्शन क्या आजूगा? ऑप्शन नंबर सी, भगत पूर्ण सिंह, ठीक है जी। इन्हों का जन्म होया सीगा, इन्हों जन्म 1904 विच जन्म होया सीगा। ते एक इन्होंने पिंगलवाड़ी स्थापना की थी, ऑपरेशन उन्होंने कदों की थी? 1947 भी, ठीक है जी। 1947 भी जो वंड हुई हैगी, रिफ्यूजी कैंप में दवाइया बनते होंगे सके, उतों इन्होंने काम शुरू करता जी अफवाइजा तो गरीबों की सहायता कर, ठीक है जी। 1947 तो लैके 58 विचकार इन्होंने कोई भी घर नहीं सगा, एक घर घर जाके गली गली जाके अपाहिज लोगों गरीब लोगों या फिर अनाथ लोगों सहायता मांगते होंगे, ठीक है जी। खाने लिए कपड़े लेड़े की कोई मांगते होंगे सके, बहुत ही दयालु बहुत ही ज़्यादा नेक सके। सो इस करके इन्होंने की कहा जाता है? पंजाब की दाढ़ी वाली मदर टेरेसा कहा जाता है, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। चलो अगला प्रश्न देखो जी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 58 देखो। किहड़े गुरु साहबान ने सती प्रथा का सख्त विरोध किया? हाँ जी, ये किया सीगा, इतने राइट ऑप्शन की आजूगा? ऑप्शन नंबर बी, गुरु अमरदास जी, ठीक है जी। आनंद साहब रचना किन्हां दी आ? गुरु अमरदास जी दी, ठीक है जी। सब तो वड्डी उम्र के गुरु साहबान कौन सन? गुरु अमरदास जी, ठीक है जी। ये सारी गल्लां नोट कर लो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 69 देखो। हरिमंदर साहब की नींह किन्हां ने रखी सी? हाँ जी, किन्हां ने रखी सी? इतने राइट ऑप्शन की आजूगा? ऑप्शन नंबर बी, साई मियां मीर, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। तो इन्हों सद्दा किने दिता सीगा? गुरु अर्जन देव जी ने, ठीक है जी। ये भी नोट कर लो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 60 देखो। शहीद ऊधम सिंह का असल नाम की सी? हाँ जी, शहीद ऊधम सिंह का असल नाम की सी? एक काम करो, यद आंसर भी तुम की करो, सारे जने कमेंट करके दस दो, ठीक है जी। सारे जने का आंसर कमेंट करके दस दो। सो इतने अपना की समाप्त होंगे? जो हिस्टरी के पी वाई क्यू ने गे वो सारे समाप्त होंगे गे। इस तो बाद भी एक या दो पेपर के रह जाते गए, वह भी आप करा, एक या दो पेपर की रह गए, बाकी आप सारे कंप्लीट कर ले। तो बाकी जो रिपीट होंगे सके आप छड़ते, या फिर वो क्वेश्चन छड़ते जे आप कही कॉमन क्वेश्चन है, जिम्मे पूछे जाता सिखा के पहले गुरु कौन से, सिखा के पंजवें गुरु कौन से, ठीक है जी। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते गए, वो प्रश्न आप करते ड्रॉप करते, ठीक है जी, क्योंकि वो सारे प्रश्न तुहानू आउंदे नेगे, इस करके आप करते ड्रॉप करते सके। तो बाकी अपने एक या दो पेपर के जोड़े हिस्टरी के पी वाई क्यू ने गए वो रह गए, आप जरूर करा। हूँ अगे आप देखा जे साहित्य के पिछले 10 साल प्रश्न आए हुए गए पी ट्रिपल एस बी के पेपर में।
हाँ जी हूँ आप देखते हैं कि साहित्य के एम सी क्यू जो साहित्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ जी प्रश्न नंबर कार्ड देखो हेठ लिखियां विचों कौन ज्ञानपीठ अवार्ड जेतू हैं। तो देखो जी ज्ञानपीठ अवार्ड भारत के सब तो उत्तम अवार्डों में एक हैगा तो सब तो पहले पंजाबी से जिन्हें जितया सी कौन सी गुरदयाल सिंह ठीक है जी नावलकार से ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। माड़ी का दीवा इन्हें प्रसिद्ध रचना कि माड़ी का दीवा ठीक है जी कदों लिखी सी इन्होंने ये लिखी सी इन्होंने 1964 में ठीक है जी। तो इन्होंने जोड़ा मिले ज्ञानपीठ अवार्ड कदों मिले यह मिले अपना 1999 में ठीक है जी। तो 1998 भी इन्होंने एक अवार्ड मिले कि अवार्ड मिले पद्म श्री कि अवार्ड मिले पद्म श्री ठीक है जी। तो होर इन मशहूर रचनावान अपनी है जिमें अद्ध चानी जात अन्ने घोड़े दान भी इन्हें बहुत ही मशहूर रचना ठीक है जी नोट कर लियो तो बगाना पिंड कुत्ता आदमी सग्गी फुल ठीक है जी ये इन्हें कुछ मशहूर रचनावान ने। चलो अगला प्रश्न देखो जी फिर। हाँ जी प्रश्न नंबर 12 देखो मिर्जा साहबा का किस्सा किन्ह ने लिखा। हाँ जी सबनों पता होना है तो बहुत बारी पढ़िया होना तुम स्कूल भी पढ़िया होना किन्ह ने लिखा सी पीलू ने ठीक है जी। ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। सो आप साहित्य बारे एक वीडियो भी बनाई हुई हैगी तुम प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो ठीक है जी। कल्ले कल्ले साहित्यकार बारे दस्या डिटेल में उत्थे जाके भी दे सकते हो नहीं तो तुम कमेंट करके दस दो आप एक स्पैशल अलग वीडियो बना देंगे ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 63 देखो हेठ लिखियां विचों किसनों पंजाब के टैगोर के नाम नाल जाने जाता है। हाँ जी किसनों जाने जाता है इतने राइट ऑप्शन की आजूगा ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर पूरन सिंह ठीक है जी। इन्हें जन्म बारे गल करिए जन्म होया इन्हों का 1881 हाँ 1881 हो जी। प्रसिद्ध रचना बारे गल करिए अपना खुले मैदान ये पंजाबी के नाल नाल अंग्रेजी भी नहीं रचना वधिया सी ठीक है जी। खुले मैदान खुले कुंड खुले लेख ठीक है जी ते आसमानी रंग इन्हें पंजाबी विच कुछ प्रसिद्ध रचना सी ये नोट कर लो। तो बाकी भाई वीर सिंह तो काफ़ी प्रभावित से ठीक है जी। ये भी प्रश्न आता हूँ कि तो प्रभावित से प्रोफेसर पूर सिंह भाई वीर सिंह तो ठीक है जी। चलो अगले प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 64 देखो दिल्ली और दिल्ली आना सी दिल्ली दी गलियां नावल किन्ना दी रचना है। हाँ जी तो सब नू पता होना चाहिए गा बहुत ही बार आया हुआ प्रश्न किन्ना दी रचना की ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा अमृता प्रीतम दी ठीक है जी। अमृता प्रीतम सब तो बड़ा अवार्ड मिले हुआ ज्ञानपीठ कि कादे लई प्रश्न आता हूँ कागज़ ते कैनवस लई ठीक है जी। कागज़ ते कैनवस इन्हों की रचना सी उसलिए इन्हों के अवार्ड मिले ज्ञानपीठ ठीक है जी। तो 2004 भी इन्हों अवार्ड मिले कि पद्म विभूषण पद्म विभूषण ठीक है जी। 2004 इन्हों पद्म विभूषण मिलेगा तो बाकी इन्हों साहित्य अकैडमी पुरस्कार भी मिले ये भी प्रश्न आता हूँ स्नेहड़े लिए ठीक है जी। स्नेहड़े लिए पूछते होंगे अगे भी कि अवार्ड मिले साहित्य अकादमी साहित्य अकादमी ठीक है जी। भी नोट करो तो बाकी इन्हों की प्रसिद्ध रचना बारे आप गल करिए इन्हें प्रसिद्ध रचना कागज़ ते कैनवस यात्री ठीक है जी। यात्री रसीदी टिकट इन्हें ऑटोबायोग्राफी रसीदी टिकट तो बाकी अज आखा बारी शाह कस्तूरी ठीक है जी। बाकी तो सुनिया भी होनी है सुनेहड़े सुनेहड़े यात्री ठीक यात्री उपर लिखत दुबारे यात्री अपना सागर ते सिप्पियां सागर ते सिप्पियां ठीक है जी। यह तो कहा गया भी एक स्पैशल वीडियो बनाई हुई हैगी वीडियो भी देख सकते हो तो बाकी आप साहित्य लिए एक अलग वीडियो भी बना देंगे ठीक है जी। जो आप पंजाब जीके करांगे कंप्लीट ये सारे नोट कर लो अपना आंसर की आजूगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 65 देखो हीर रांझा किन्ना दी प्रसिद्ध रचना है। हाँ जी किन्ना दी प्रसिद्ध रचना सब नू पता होना चाहिए गा इत्थे राइट ऑप्शन की आजूगा ऑप्शन नंबर बी वारिस शाह ठीक है जी। पंजाब का शेक्सपीयर किसनू कहा जाता गा वारिस शाह नू कहा जाता ठीक है जी ये नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 67 देखो चिट्टा लहू किन्ना दी रचना है। हाँ जी सब नू पता होना चाहिए किन्ना दी रचना है ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा नानक सिंह ठीक है जी। नाल इन्हों भी एक साहित्य अकैडमी पुरस्कार मिले हुआ 1962 में साहित्य अकैडमी इन्हों पुरस्कार मिले ठीक है जी। कि रचना ली इन्हें इन्होंने एक नावल लिखा एक म्यान दो तलवारा एक म्यान दो तलवारा ठीक है जी। गदर पार्टी उपर से नावल ये नोट करो तो बाकी इन्हों प्रसिद्ध रचना बारे आप गल करिए फुलादी फुल ठीक है जी। फुलादी फुल इन्हों की एक रचना सी प्यार की दुनिया प्यार की दुनिया ठीक है जी। तो बाकी इन्हों की रचना सी एक पवित्र पापी सबनों पता होना है तो पवित्र पापी तो बाकी इन्हों की रचना सी एक खून की विसाखी या फिर खूनी विसाखी ठीक है जी। खूनी विसाखी सी दूर किनारा इन्हों की एक रचना सी दूर किनारा तो होर इन्हों की रचना कि एक खून दे सोहिले खून दे सोहिले ठीक है जी। खून दे सोहिले इन्हों की एक प्रसिद्ध रचना ये सारे जन नोट कर लो ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो।
हाँ जी प्रश्न नंबर 67 देखो, मक्के गया गल मुकदी नहीं, मशहूर शायरी किसकी रचना है? हाँ जी किसकी रचना सबनों पता होना है, तो मशहूर सूफी कवि होया अपने बुले शाह जी। ठीक है जी, बाबा बुले शाह जी, इन्हों का जन्म होया 1680, तो बाकी इन्हें प्रसिद्ध रचना बारे सबनों पता ही होना गा। बुला की जाना मैं कौन, एक नुकते गल मुकदी है, इश्क की नवी नवी बहा। ठीक है जी, मैं जाना जोगी दें, सारी इन्हें की नेगी प्रसिद्ध रचना। ठीक है जी, ये नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 68 देखो, सुरजीत पात्र नूं साहित्य अकैदमी अवार्ड उन्हां दी कि पुस्तक लिए मिलिया सी? हाँ जी सबनों पता होना चाहिए कि पुस्तक लिए मिलिया सीगा। ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, हनेरे विच सुलग दी बरमाला। ठीक है जी, यह मिलिया सी इन्हां नूं 1993, इन्हां दा जन्म होया सीगा 1945। ठीक है जी, तो बाकी इन्हां नूं 2012 पद्म श्री भी मिलिया सीगा। ठीक है जी, पद्म श्री भी मिलिया सी, इह भी नोट कर लियो। तो इन्हें प्रसिद्ध रचना बारे आप गल करिए, लफ्जां दी दरगार, पचड़ दी पंजेब, सर जमीन, इन्हें कुछ प्रसिद्ध रचना से। ठीक है जी, ये नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न 69 देखो, हू मंग द फॉलोइंग स्टार्टड अ जनरल प्रीत लड़ी इन 1933 टू शेयर द विजन एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ विद अदरस। हाँ जी ये अपने ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, गुरबख्श सिंह। ठीक है जी, इहदा नाम ही इत्थे पै गया सीगा, नाम ही जनरल ते पै गया सीगा प्रीत लड़ी ते। ठीक है जी, इहदा पूरा नाम की कहा जाता है, गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी कहा जाता है। इन्होंने चलाया सीगा प्रीत 1933। ठीक है जी, लाइफ का विजन अते फिलोसफी शेयर करनी दूजे नाल। ठीक है जी, तो इन्हें कुछ आपां प्रसिद्ध रचना बारे गल करिए, मेरिया भुल जादा, लम्मी उम्र, नवा विशा, नवा सिवाला, खुला दर। ठीक है जी, इन्हें कुछ प्रसिद्ध रचना सीगियां, तो बाकी एक छोटी कहानी की रचना करते होंगे, मिनी कहानी की रचना, मिनी कहानी रचनकार कहा जाता सी। ठीक है जी, ये नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 70 देखो, किहड़े साल विच भारतीय कवि धनी राम चात्रिक पंजाब साहित सभा के प्रधान बने? तो देखो जी, ये बने सीगे ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, 1926। ठीक है जी, इन्हें जन्म की आप गल करिए, जन्म होया सी इन्हों का 1876। हाँ 1876, तो बाकी इन्हें रचनावान बारे गल करिए, प्रसिद्ध रचना नल दमयंती, केसर क्यारी, नवा जहान, नूर जहां, बादशाह बेगम। ठीक है जी, इन्हें फुलों की टोकरी, यह जो कुछ प्रसिद्ध रचना इन्हें। ठीक है जी, ये नोट कर रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न 72 देखो, इन सूफीजम द टर्म वली इज यूज टू सिग्निफाई? तो देखो जी, वली शब्द वरत्या जाता खासकर रब लई भी वरत्या जाता। ठीक है जी, मुस्लिम धर्म में आप देखिए, तो बाकी जां फिर आ फ्रेंड ऑफ गॉड। हाँ जी, आ फ्रेंड ऑफ गॉड होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर अपना बी आजूगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, क्योंकि बाकी अपने जो ऑप्शन दिए हुए वो कोई भी रेलीवेंट नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न 73 देखो, हेठ लिखियां विचों किसने फैजी अते अब्दुल कादर नूं महाभारत नूं पर्शियन विच अनुवाद करन लई कहा? हाँ जी किसने कहा सी, सबनों पता होना है, तो 1574 विच कहा सीगा किने, अकबर ने। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न 74 देखो, भगती संतां द्वारा अपने विचारां नूं जनता तक पहुँचाउण लई किहड़ी भाषा चुनी गई? तो देखो जी, भगती संत भावें किसी भी धर्म के सीगे, गाउण लई जां लिखण लई खासकर किहड़ी भाषा वरते सीगे, जिथे उह रहिंदे सी असल विच स्थानीक भाषा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न नंबर 75 देखो, मैनू विदा करो किस दे द्वारा लिखता है? हाँ जी सबनों पता होना गा, ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, शिव कुमार बटालवी। ठीक है जी, बिरहां दा सुल्तान, अजकल भी गीत आउंदे आगे। ठीक है जी, कई तो देखो इन्हां दा जन्म होया सीगा 1937, तो इन्हां नूं 1967 साहित्य अकैदमी पुरस्कार मिलिया सीगा। ठीक है जी, सब तो छोटी उम्र के प्रश्न आउंदा गा, सब तो छोटी उम्र के जिहड़े साहित्यकार कौन होए सीगे, पंजाब दे शिव कुमार बटालवी। ठीक है जी, जिन्हां नूं साहित्य अकैदमी पुरस्कार मिलिया सीगा 1967, कि रचना सी इन्हां दी, लूणा सी। ठीक है जी, प्रसिद्ध रचना इन्हां दी लूणा, ये नोट करियो। बाकी इन्हां दी प्रसिद्ध रचनावां बारे गल करिए, पीड़ां दा परागा, लाजवंती, आटे दे चिड़ियां, मैं ते मैं, बिरहा तू सुल्तान, आरती अते अलविदा। ठीक है जी, ये इन्हां दे कुछ प्रसिद्ध रचनावां सीगियां, सो सारे तुहानूं पता भी होनी चाहिए नेगियां। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न 75 देखो, टाइटल ऑफ खुशवंत सिंह आटोबायोग्राफीज़। तो देखो जी, इहदा टाइटल की सीगा, इहदा टाइटल सीगा ट्रुथ लव एंड अ लिटल मेलिसा। मेलिसा की हुंदा गा, मेलिसा कहिंदे आ बुराई नूं। ठीक है जी, किस नूं कहिंदे आगे, बुराई नूं कहिंदे आगे, नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न 77 देखो, आरती ओम जय जगदीश किसने लिखी सी? ये लिखी सी जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, पंडित शारदा राम फिलौरी ने। ठीक है जी, ये नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न 78 देखो, विचित्र नाटक किन्हां दी रचना है? किन्हां दी रचना है जी, ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आजूगा, गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है जी, सब नूं पता होना है। तो चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी प्रश्न 79 देखो, प्रोफेसर मोहन सिंह मेमोरियल अंतरराष्ट्रीय कल्चर मेला कितने लगता है? हाँ जी कितने लगता है, इतने उन्होंने राइट ऑप्शन की आजूगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, लुधियाना विखे लगता है। बाकी मोहन सिंह बारे गल करिए, जन्म होया सीगा
1905 ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ 1969 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿਹੜੀ, ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ। ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਨੋਟ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਵੇ ਪੱਤਰ, ਬੂਹੇ ਇੱਕ ਸੁੰਬੜੇ, ਅੱਧ ਵਾਟੇ, ਕੱਚ ਸੱਚ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ, ਜਮੀਰ ਜਿੰਦਰੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 80 ਦੇਖੋ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੌਗ੍ਰਾਫੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੌਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ POIQ, ਜੌਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 81 ਦੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੈਂਚਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਬੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਬੀੜਾਸਮਨ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ 1952 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਬੀੜਾਸਮਨ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਹਰੀਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਵੇਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਤਰਨ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੀੜ ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਵੇਖੇ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਬੀੜ ਗੁਰਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਵੇਖੇ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 82 ਦੇਖੋ। ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਨਦੀ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਜੂਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਪੀ ਨਦੀ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮ ਹੈਗਾ, ਉਕਾਈ ਡੈਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਹਾਨਦੀ ਉੱਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮ ਹੈਗਾ, ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਡੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਡੈਮ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਡੈਮ ਹੈਗਾ, ਨਾਗ ਅਰਜੁਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨਾਗ ਅਰਜੁਨ ਡੈਮ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 83 ਦੇਖੋ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 84 ਦੇਖੋ। ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਕਟ ਨੇਚਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਜੂਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, 1972 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 85 ਦੇਖੋ। ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਰ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਜੂਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੀ ਬੱਲਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ? ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਲਾਸ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜੌਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ POIQ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਗਏ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਗਏ। ਸੋ ਕਲਾਸ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਏ ਟੂ ਜੈੱਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੈਕ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ।